आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कांग्रेसियों ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से अवैध तरीके से किए जा रहे पूछताछ के विरोध में एवं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली अग्निपथ योजना के विरोध में सक्ती जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सक्ती कचहरी चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम सक्ती अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से श्री रूपेश बघेल, युवा कांग्रेस पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्रपुर विधानसभा एवं सरपंच ग्राम पंचायत पोता श्री रवि कुमार गभेल, पूर्व अध्यक्ष NSUI सक्ती विधानसभा वृंदालाल धीवर, जिला अध्यक्ष मछुआ कांग्रेस एवं प्रदेश सचिव श्री पुरुषोत्तम साहू, अधिवक्ता नोटरी एवं प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालखोदा श्री एकलव्य चंद्रा, जिला अध्यक्ष सहकारिता संघ जांजगीर चांपा श्री आनंद चंद्रा, सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालखोदा एवं सरपंच ग्राम पंचायत करीगांव श्री श्याम कुमार केवट सरपंच कटारी, श्री राजेंद्र धीरेन सरपंच चरोदी, श्री प्रदीप कुमार गभेल विधानसभा संयोजक चंद्रपुर एवं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर्स कमेटी अध्यक्ष मालखोदा, श्री पूर्णेश गभेल पूर्व सक्ती विधानसभा उपाध्यक्ष, श्री रूपेश चंद्रा, श्री अजय चंद्रा, श्री कुंदन यादव, श्री चंद्र कुमार रात्रे, यादराम जांगड़े, रामेश्वर साहू, चंद्र कुमार चंद्रा, चंद्र कुमार गभेल, मनोज कुमार कंवर, महंगू यादव, राजेश्वर यादव, हेमंत जांगड़े, राकेश महंत, टंकेश्वर गभेल, श्याम महंत, नागेश्वर प्रसाद पूर्व उपाध्यक्ष NSUI भावेश गभेल, पूर्व महासचिव झचकेतन सिदार, पूर्व सचिव पारसदीप गभेल, सूरज सोनी, अजय यादव, विजय सिदार, कन्हैया कंवर, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर खुटे, प्रदीप गभेल, रामनाथ पटेल, सरपंच प्रतिनिधि बसंत गोड, सरपंच एवं भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।